तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं ONGC कंपनी के स्टॉक की, क्योंकि दोस्तों इसके क्वार्टरली नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं और आने वाले टाइम में स्टॉक में क्या टारगेट रह सकते हैं। दोस्तों ONGC हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इसके क्वार्टरली नतीजे जो है डिक्लेयर कर दिए गए हैं फॉर द क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के प्रॉफिट में 102% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो बढ़ के 17,383 करोड़ हो गया है, जबकि इट वॉज नियरली 8,580 करोड़ इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ हो गई है और इसका जो प्रॉफिट है डबल से भी ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। लेकिन यदि रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है उस रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 10% की रिडक्शन देखने को मिली है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 1,63,823 करोड़ आया है, जबकि इट वॉज नियरली 1,82,894 करोड़ इन द लास्ट ईयर सेम पीरियड। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू में नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल चुका है। द क्रूड ऑयल आउटपुट ऑफ द कंपनी डिक्लाइन 3.3% टू 5.3 मिलियन मीट्रिक टन MMT एज कम्पेयर टू 5,495 MMT। तो ऑयल प्रोडक्शन में भी रिडक्शन देखने को मिल चुकी है। सिमिलरली गैस आउटपुट जो है वो भी 3% के हिसाब से रिड्यूस हुई है। तो ये सारे नंबर्स आपको नोट कर लेने चाहिए। कंपनी की गैस एंड ऑयल में प्रोडक्शन में कमी पाई गई है, रेवेन्यू भी रिड्यूस हो गया है, लेकिन आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ शो कर रहा है। द कंपनी सेड द आउटपुट इन द जून क्वार्टर डिक्लाइंड ऑन द अकाउंट ऑफ द शटडाउन इन द पन्ना मोटा ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एंड साइक्लोन दैट इज बाइपरजॉय। तो साइक्लोन के कारण एंड कंपनी का जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म था वो बंद हो गया था, जिसके कारण कंपनी की प्रोडक्शन में कमी आई है। द रिडक्शन इन द ONGC's प्रोडक्शन इन द क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाज ड्यू टू शटडाउन, ये आपको नोट करके रख लेना चाहिए। और साइक्लोन बाइपरजॉय के कारण, जैसे आपको पता है गुजरात में बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ था, इस कंपनी की प्रोडक्शन बंद हो गई थी। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। करंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन इज टेम्परेरी। तो ये जो भी प्रोडक्शन में रिडक्शन हुई है ये टेम्परेरी है, आने वाले टाइम में फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है कंपनी का। कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है। द कंपनी हैड इश्यूज ओवर सीरीज ऑफ द NCDs एग्रीगेटिंग टू 4,140 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फॉर विच द फंड्स वर फुली यूटिलाइज फॉर इंटेंडेड पर्पस ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो ये भी आप नोट कर लेना चाहिए, पहले कंपनी ने फंड रेजिंग पे भी जो है वो प्लान किया था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक की जो प्राइस है फ्राइडे के दिन रिड्यूस हुई है। करंटली ONGC के स्टॉक की प्राइस 177.20 है। यदि वन ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर बहुत ही शानदार रिकवरी है। 120 के अराउंड बेस बनाने के बाद इसके स्टॉक में बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लास्ट वन ईयर में 26% के हिसाब से इंक्रीज हो गया है। वन मंथ में भी ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिला है, ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम ही शो कर रहा है। अब जैसे कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन कट होने के कारण थोड़ा रेवेन्यू जरूर रिड्यूस हुआ है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन हैं इम्प्रूव हुए हैं और कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, इसलिए आने वाले टाइम में नेक्स्ट 6 मंथ से लेके और 1 ईयर तक ये स्टॉक जो है वो 200+ तक के टारगेट को हिट करता आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक में बने रहें, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर भी ओवरऑल पॉजिटिव आ चुके हैं। थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा।